अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पे PSL एडिशन 9 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। और जनाब, प्लेऑफ्स का मरहला बिलाखिर शुरू हो गया और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिसके ऊपर आज बात करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो जिस तरह के मैच की उम्मीद की जा रही थी, जो ये प्रोग्राम बाकायदगी से देख रहे हैं वो यकीनन इस बात को जानते होंगे कि हमने एक दिन पहले जब इसके ऊपर प्रोग्राम किया तो इस बारे में बताया गया था कि इसी तरह का मैच जो है वो एक्सपेक्टेड था, यानी कि बहुत ही लो स्कोरिंग मैच। और जो क्रिकेट जिस तरह की होनी चाहिए T20 क्रिकेट ख़ास तौर पे, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। लो स्कोरिंग मैच और उसके बाद क्राउड का ना होना, और जिस तरह की क्रिकेट हो रही है या थ्रू आउट हुई है उसमें क्राउड का आना यकीनन मुमकिन नहीं था। और इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं शहर कराची के अंदर, जैसे पहले भी ये बारहा बताया गया है, ना सिर्फ इस प्रोग्राम में बल्कि हर शख्स ही अब ये बात कर रहा है कि क्राउड को स्टेडियम तक पहुंचना कोई इतना आसान काम नहीं है। जब इतनी ज़्यादा मुश्किलात हों, टिकट्स की वजह से हों या और दीगर मामलात हों, तो क्राउड की दिलचस्पी वैसे ही कम हो जाती है। और फिर माह मुबारक की वजह से लोगों की मसरूफियात, क्योंकि जिस वक्त मैच शुरू होता है पूरे मुल्क में ही, क्योंकि रमज़ान मुबारक का सिलसिला जारी है, नमाज तरावी की वजह से लोग जो ग्राउंड का रुख नहीं कर पाए। थोड़े बहुत तमाशाई ज़रूर थे, तहम मैच उस नौयत का नहीं था कि जिसको देखने के लिए शायकीन क्रिकेट जो है वो मैदानों का रुख करेंगे। बहरहाल, अब इसके ऊपर आगे चल के मैं ज़रूर बात करूँगा, पहले थोड़ा सा मैच का खुलासा यहाँ पर बयान करूँ। कल जो मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान टीमों के दरमियान, दोनों पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फ़ैसला किया। फैसला तो इतना बुरा नहीं था, ताहम ये कि हर दफ़ा जैसे से पहले भी होता आया है कि कोई ख़ास बैटिंग परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई, ख़ास तौर पे जब कराची में मैच खेला गया। मुकर्रा 20 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 146 रन महज स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और मुल्तान सुल्तान की टीम ने इसको बासानी 3 विकटों पर 147 रन बनाए 18.3 ओवर्स में इसको चेज़ कर लिया। और इस तरह मुल्तान सुल्तान ने 7 विकेट से ये जीत के 9 बॉलों पहले ही ये स्कोर ना सिर्फ चेज़ किया बल्कि मुसलसल छठी दफ़ा जो है वो फाइनल तक जो है रसाई अपनी हासिल कर ली। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की, उसामा मीर जो है उसमें 4 ओवर्स में 16 रन देके 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, सबसे कामयाब बॉलर रहे और उनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम ने 42 गेंदों पर 46 रन की इनिंग खेली, जो कि कप्तान भी हैं पेशावर ज़ल्मी के। टॉम खोल और कैडमोर, जिनको TKC कहा जाता है, 24 गेंदों पर 24 रन की इनिंग खेली, और मोहम्मद हारिस ने 14 गेंदों पर 22 रन की इनिंग खेली, और इसके बाद कोई ऐसी काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं थी। और बॉलर्स की जानिब से जो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, उसामा मीर 4 ओवर में 16 रन देके 2 विकेट हासिल की, क्रिस जॉर्डन ने 4 ओवर में 28 रन दिए 2 खिलाड़ियों को आउट किया, मोहम्मद अली ने 2 ओवर में 13 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। मुल्तान सुल्तान की जानिब से यासर खान ने, नौजवान बल्लेबाज ने, 37 गेंदों पर 54 रन स्कोर किए, उस्मान खान ने 28 गेंदों पर 36 रन नॉट आउट बनाया, और इफ्तिखार अहमद ने 8 गेंदों पर 22 रन की इनिंग खेली और बासानी है मैच अपने नाम कर लिया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आमिर जमाल 3 ओवर में 23 रन दिए 1 खिलाड़ी को आउट किया, मेहरान मुमताज़ ने 4 ओवर में 28 रन दिए 1 खिलाड़ी को आउट किया, और सलमान इरशाद ने 3 ओवर में 28 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। और इस तरह जो फाइनल तक अपनी रसाई जो है मुल्तान सुल्तान ने हासिल कर ली। तो ये मैच कल का रहा है, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में ज़रूर बात की जाएगी। और साथ ही अगला मैच जो है कोटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो आज खेला जाएगा प्लेऑफ्स का दूसरा मैच, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आगे चल के बात होगी। टेलीफोन लाइन पर हमारे मेहमान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सगीर अब्बास साहब, जो कि एक एनालिस्ट भी हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। उनसे हमारी जो है वो बात हो रही है मैचेस के हवाले से। सगीर भाई को खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया सगीर भाई ज्वाइन करने के लिए हमें। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सगीर भाई, मैच कल का आपने देखा, सबसे पहले तो सगीर भाई निशानदेही की जा रही थी, इससे पहले भी ये बात कही जा रही थी कि जिस किस्म के मैचेस हो रहे हैं लोगों की दिलचस्पी पहले ही नहीं है। कल सामने हमने देखा जो बाउंड्री थी 80 मीटर की बाउंड्री लगाई गई, और जिस तरह की क्रिकेट हुई है मैं समझना बड़ा मुश्किल है। मैं चाहूँगा जरा सगीर भाई इसका ज़रा खुलासा कीजिए, कल का मैच आपने कैसा देखा है? जी, कल का मैच बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी की जरूर उन्होंने, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बड़ी थोड़ी कैजुअल अप्रोच नजर आई। सेमीफाइनल था जी, जी जो अपना पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग थी वो कोई इम्प्रेसिव नहीं थी। देखें, सही है, आप जितने बड़े भी प्लेयर हो, आप देखें सर्कल में दो ही फील्डर बाहर होते हैं। अब एक फील्डर आपके एक मखसूस शॉट के लिए रखा गया है जी, तो आपने जरूर उधर ही मारना है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको आप कंट्रोल कर सकते थे,
आपको देखिए सेमीफाइनल है ये, इसमें 170 रन 160 रन बहुत होते हैं, सेमीफाइनल का प्रेशर होता है, फाइनल का प्रेशर होता है। उसमें अगर आप इस तरह की बैटिंग करेंगे कि शुरू में एक आउट हो गया जल्दी, फिर बाबर आजम को बहुत अच्छी बॉल पड़ गई, वो तो बाबर ने तो फिर भी चले अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन बड़े मैचों में जब तक आपके ओपनर जो बिनता आप रिलाय कर रहे हो सबसे ज्यादा, अभी फिलहाल ये दो ही प्लेयर हैं इस्लामाबाद के पेशावर ज़ल्बी के जो टीम को शुरू से लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये इनमें से एक तो जल्दी आउट हो जाता तो टीम ये लगता है क्रिकेट है ही नहीं, आगे प्लेयर ही नहीं है जी। ज्यादातर साइम अयूब चल रहे तो, और अपना माशाल्लाह बाबर तो करते ही है, वो कल भी 47-45 रन किए कम नहीं थे, जो कि T20 में अच्छा खासा स्कोर होता है जी जी। तो प्लानिंग कुछ मुझे प्लानिंग में फुकदान नजर आया, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब 80 गज की बाउंड्री क्यों कर दी गई है। सोहेल खान के इंटरव्यू की वजह से जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि मैं स्पाइक्स भी उतार दें अब तो हम बॉलर, सही है, सही बात है। देखिए चांस बराबर दोनों को, बैट्समैनों को भी होना चाहिए, बॉलर्स को भी होना चाहिए। हाँ एग्जीबिशन टाइप की क्रिकेट है वो, क्राउड के लिए होती है, क्राउड पुलर, लेकिन आपने बॉलर को देखे ना, आपको बॉलर को डिप्रेशन में डाल दिया इस तरह की क्रिकेट में, जब बॉल पिटना शुरू हो जाता है छोटी बाउंड्रियों पे तो आदमी बॉल करेगा, एक पहले बॉल पे चौका पड़ गया तो बॉलर को आगे बॉल में बचाना मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, तो ये समझ में नहीं आया इस बार 80 की बाउंड्री क्यों की है, ना समझ में आने वाली बात है। देखें वही रखना चाहिए था, ये नहीं है कि अब 80 गज की बाउंड्री दूसरी टीम बैटिंग वालों को नहीं थी, इनके लिए ज़ल्बी के लिए ही थी, सबके लिए थी, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड आपने चला रहे हैं आप उसी को चलाएं। इतने मैचों में आपने बाउंड्री छोटी रखी, अब अचानक से नॉकआउट स्टेज पे आपने आके बाउंड्री बड़ी कर दी, फर्क तो पड़ता है, यकीन जो कि आप पहले खेलने में आए और बाद में खेलने में फर्क तो पड़ेगा कि भाई ये पहले इतनी बड़ी बाउंड्री, जब आप बैटिंग करने आते हो आपको बाउंड्री इतनी दूर नजर आती है तो आप कहते हो यार मैं छक्का कैसे मारूंगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, छोटी बाउंड्री पे आपका हौसला बड़ा होता है, यार मैं अगर बिसिट भी हो गया तो मैं तो छक्का मार दूंगा यहाँ से, मैं फिर वो चांस लेता है ज्यादा। तो वही कहते हैं क्राउड प्लेयर होता है, छोटी बाउंड्री बॉलर्स का जो बिल्कुल ही आपने खत्म कर दिया था, आपने एडवांटेज देने की कोशिश की, लेकिन टू लेट है, आपको शुरू से या तो स्टैंडर्ड एक रखना चाहिए बाउंड्री का, चाहे वो फाइनल हो सेमीफाइनल या आम मैच हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सहीर भाई, ये जरा क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बात हो रहा है, जो क्रिकेट का मयार है ये कैसा रहा है, इस तरह के अगर मैचेस होंगे, अभी क्राउड के हवाले से बात हो रही है, ग्राउंड में नहीं आ रहा है, फाइनल के लिए भी कोई उम्मीद नहीं है, पीसीबी के लिए भी परेशानी का बायस है, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए भी, मतलब ये इस लेवल की अगर क्रिकेट होगी क्या वाकईतन जाकर लोग देखेंगे ग्राउंड में जाकर, जहां पर पहुंचना भी इतना आसान नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में सहीर भाई? नहीं, मैंने बिल्कुल आप सही कह रहे, इस बार तो अल्लाह माफ करे बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही लो स्टैंडर्ड क्रिकेट हुई है, कैचेस इतने छोड़े गए, इतने बड़े बड़े फील्डरों ने ऐसे ऐसे कैच छोड़े जो कि वो हमारी जबान में लॉलीपॉप ही कहेंगे, जो जी, ऐसे आसान आसान कैच छोड़े गए हैं, पता नहीं क्या प्रिपेयर नहीं थे नाइट मैचेस के लिए, बॉल उनको नजर नहीं आता, या नाइट इतनी स्लो हो गई है, इतनी मध्यम हो गई है कि बैटिंग नहीं हो रही होती उनसे, और आपका स्टैंडर्ड आपके पास लड़के ही मुझे नहीं समझ में आता, फिर आपके फॉरेन प्लेयर वो भी या तो कोई फॉर्म में नहीं है या बिल्कुल ही हल्के प्लेयर आपने इस बार बुलवाए, आईपीएल की वजह से वो आए नहीं काफी हद तक, और जो आए फिर उन्होंने माजरत कर ली, तो ये सारा देखे सारा मिल के ही ये स्टैंडर्ड आपका ऊपर होता है। अगर आप इस तरह की क्रिकेट खिलानी है तो मेरे ख्याल में आप फॉरेनर्स को बुलाए नहीं, इतने पैसा खर्च करने की जरूरत क्या, आप डोमेस्टिक कर लें, जैसे कि आपका T20 पाकिस्तान कप होता जी, है जी, जी, बिल्कुल। उसमें और इसमें मयार में मुझे तो कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा, गोरे आप बुलाते हैं कि आप उनसे सीखें, गोरे आपसे सीख के जा रहे हैं, बिल्कुल तो ये लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये सगीर भाई, थोड़ी सी कप्तानी के हवाले से भी बात हो रही है, ये बैटिंग ऑर्डर चले ऊपर साइम अयूब बाबर आजम ठीक है दो इस फॉर्म में है, साइम अयूब की परफॉर्मेंस तो इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, बाबर कंसिस्टेंट है, नीचे हारिस को भेजा, हसीबुल्ला को भेजा, टॉम खोलर कैडमोर को भेजा, और उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट जो स्कोरर है रॉबमन पावल उसको इतना नीचे उन्होंने भेजा, ये चक्कर क्या है, ये क्या बैटिंग ऑर्डर भी नहीं पता, ये किसको कहाँ किस नंबर पर भेजना है, जब कप्तान को ये नहीं पता होगा तो टीम कैसे जीतेगी, ये तो बताएं, जब थर्ड हाईएस्ट स्कोरर अगर है उनके लिए तो उसको तो उन्होंने इतना नीचे भेजा है, इसकी क्या वजह समझ में आती है? ये वो बस उनको उनका काम वो समझते हैं सिर्फ आखिरी 4 या 5 ओवर में ही है, वो ये समझते हैं कि वो बैटिंग में जब ऊपर जाएगा तो उस पर प्रेशर होगा और वो
वाली इनिंग बिल्ड नहीं कर सकेगा जो कि वो आखिरी डेडर हो के आखिरी ओवरों में खेलते हैं, खुल के खेलते हैं बिल्कुल जिसे कहना चाहिए। जी जी तो मेरे ख्याल में ये इतना अच्छी सोच है नहीं। यकीनन देखिए प्लेयर प्लेयर ही होता है, जब वो मार सकता है आखिरी 3-4 ओवर में आके प्रेशरलेस क्रिकेट खेल सकता है, तो अगर उसको थोड़ा सा ऊपर भी भेज दिया जाए जी एटलीस्ट उसको 8 ओवर तो मिले, कि जी अगर वो बिल्कुल सेट एक आध मारने लगता है तो वो तो एक तरफ गेम कर देगा पूरा अगर उसको 8 ओवर मिलते हैं। 5 ओवर में भी जैसे आपने वो रसल को देखा होगा जी वेस्टइंडीज के, जी वो आते हैं वो आंद्रे बिल्कुल ही रसल गेम बिल्कुल पलट देते हैं, वो तो ऐसे छक्के मारते हैं, ये भी बुरे प्लेयर नहीं है, ये बड़े छक्के मारते हैं। तो मेरे ख्याल में कप्तान के नजरिया यही है कि जी इनको आखिरी 4 या 3-5 ओवरों में भेजा जाए, जाके खुल के खेलें और जितने छक्के मार सकते हैं जितने चौके मार सकते हैं वो मारें। बिल्कुल कभी ठीक है लगेंगे 70% नहीं लगेंगे, 30% लगेंगे, और जहां पे प्रेशर मैच आएगा मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर मारना। तो बिल्कुल प्रेशर ठीक से आप उसको रोक रहे हैं और प्रेशर वाले मैच आ रहे हैं, तो इससे बेहतर यह नहीं है कि आप उसको 8 ओवर खेलने का मौका दें कम से कम, कि वो थोड़ा सा अपने आय बिल्कुल भी ठीक इन है कर ले तो उसमें मारना ज्यादा आसान होता है। जी ठीक है। सकीब भाई हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, जमील भाई भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। जमील अहमद साहब हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी रहे हैं, टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, कोई ना, बात जमील भाई मैच के हवाले से बात हो रही थी, परफॉर्मेंसेज अभी डिस्कस कर रहे थे, पहले तो मैं आपसे चाहूँगा ज़रा आप इस बारे में तबसरा कीजिए कि जो जिस किस्म की क्रिकेट हुई है ये किस किस्म का मैच था और इसको देखने के लिए क्या तमाशाई ग्राउंड का रुख करेंगे। और अभी सहीब भाई ने कुछ देर पहले बड़ी अच्छी बात की कि बड़ा कैजुअली मैच खेलने के लिए गए, प्लेऑफ्स का पहला मैच है, सेमीफाइनल आप इसको समझने खेल रही है टीम, और इस किस्म की परफॉर्मेंस दी पेशावर जलमी की, अगर बात की जाए क्या कहेंगे इसके ऊपर जमी भाई, फरमाइए। मुल्तान में भी देखा गया रन बने, पिंडी में भी स्कोर, क्रांची के अंदर जब से जो है ये मैचेस शिफ्ट हुए हैं ना तो देखा गया है कि लो स्कोरिंग जो है ना मैचेस हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अब जो T20 क्रिकेट है इसमें तो तमाशा ही जो है वो चौके और छक्के और एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। अब यहाँ पर कोई अगर मतलब वो ना हो और ऐसी टर्निंग पिचेस बना दी जाए जहाँ गेंद ग्रिप भी कर रहा हो और ब्रेक भी दे रहा हो, तो वो वहाँ पर हिट आउट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो यहाँ की जो इंतजामिया है उनको देखना चाहिए कि किस तरह की पिचेज हैं, और जो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी मतलब ये कि इस पर वो करना चाहिए। आपकी आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो मैच हुआ है ना ये बिल्कुल एकतरफा मैच हुआ है, जिसमें कि 146 रन जो है ना उन्होंने 18वें ओवर में बआसानी जो है ना मतलब हासिल कर लिए, और मतलब उन्हें कोई मतलब मजाहमत भी नहीं करनी पड़ी इतनी ज़्यादा। तो वैसे तो अगर आप देखते हैं दोनों टीमों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो एज कंपेयर जो है वो मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी थ्रू आउट इस टूर्नामेंट के अंदर जो है ना बहुत शानदार रही है, और जब मैच स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो है उसे फेवरेट जो है ना कहा जा रहा था, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी प्लेयर है ना, रिजवान को उठा लें, अब यासिर खान जिसको भी खिलाते हैं, अब जी यासिर खान है उसने 50 रन कर दिए, उसके अलावा उस्मान जो है उसने नॉट आउट किए हैं 36 रन, तो उसके अच्छा जितने भी लड़के हैं मतलब उनको जिसको भी ये जॉनसन चार्ल्स को खिलाया वो मतलब वो कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, इफ्तिखार परफॉर्म कर रहे हैं सिवाय कुइजल चाह के। जी नीचे से अगर आप देखते हैं तो मतलब ये कि डेविड जो विली है वो है, क्रिस जॉर्डन है, और ये सब मतलब बैटिंग में इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। अब देखो तीन इनके पास ऑलराउंडर हैं और उसकी वजह से जो इनकी बैटिंग और बॉलिंग में 7 ऑप्शन है इनके पास, अगर आप देखते हैं तो बॉलिंग भी इनकी बहुत जो है ना इतनी मजबूत दिखाई देती है के मतलब ये के डेविड विली, मोहम्मद अली, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, खुलजिल शाह, चार्ल्स क्रिस जॉर्डन, उसामा मीर, तो मतलब 3 स्पिनर हैं, 4 जो है ना और सारे के सारे जो है ना विकेट टेकर हैं। बिल्कुल तो मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो माशाल्लाह से फाइनल में पहुंच गई है, और जाहिर है उसने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, देखें पिशावर जलमी की टीम डिमांड करती है वो बाबर आजम से कर रही है, साहिब अयूब से, अगर ये जी रन करते हैं आपने देख लिया, हमने देखा है ना हसीबुल्ला जो है उनकी कारकर्दगी आपके सामने, हारिस बिल्कुल की कारकर्दगी आपके सामने, रोमन पाउल जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, और टॉम कॉलर कैटमोर को भी खिला के देख लिया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब उनकी जो वो जो जब उनको मौका मिलता है जितना मौका मिलता है जितने ओवर होते हैं उतना जो है ना पावल खेल के और चले जाते हैं, उनकी इनकी जो बैटिंग है उसका उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कल जी वाल्टर को खिलाया
और आपने आमिर जमाल को उससे नीचे भेजा है बैटिंग करने। जी तो आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है ना कि जो देखे वहां पर वो जो कुछ भी कर रही है मुल्तान सुल्तान उनकी मैनेजमेंट कप्तान वो सब जो है ना वो दुरुस्त साबित हो रहा है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनके अंदर जो ना देखे ये जो चीजें होती है ना ये टीम कॉम्बिनेशन बनने नहीं देती बिल्कुल समझे ना कि आप बगैर कारकर्दगी का देखे हसीबुल्ला को मौका दे दिया ना आपने जी। तो अब आप जरूरी नहीं है कि अब आपने जो है ना उसी को खिलाना है जो नीचे आपके पास लड़के हैं उनको खिलाएं आप मौका दें ताकि जो है ये बाबर देखे वो ऊपर था कल वो आउट हो गया साइन हो गया बाबर ने 40 रन 42 गेंदों में किए जी जबकि इस टूर्नामेंट में 178 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्या कहते हैं लेकिन जो आपने बात की है तमाशाई का आने की कुछ तमाशाई कल नजर आए थे जी। लेकिन इस तरह के मैचेस में शायद तमाशाई ना आए तो होना चाहिए 180, 190, 200 के मैचेस हों ताकि तमाशाई आए और जो है ना भरपूर जन लुत्फ उठा सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी जैसे बात हो रही थी कि जिस तरह का क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है और फिर जो गलत फैसले किए जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा और सहीर भाई अभी कुछ देर पहले ही कह रहे थे बिल्कुल सही कि सीखने के लिए कुछ भी इनके पास नहीं है और जो बाहर से क्रिकेटर आपने बुलाए शायद वही सीख कर जा रहे हैं हमारे वाले तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ इससे सीख सकें या कुछ कंसीव कर सकें। बहरहाल जी अब अगले मैच की तरफ आते हैं सहीर भाई पहले आपसे चाहूँगा ज़रा इस बारे में बात हो जाए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और जनाब कोटा ग्लैडिएटर्स दोनों टीमों को किस तरह देख रहा है। कोटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस टूर्नामेंट के स्टार्ट में बड़ी अच्छी रही और उसके बाद फिर डिक्लाइन आया फिर उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की तमाम कैप्टन वहां पर भी परफॉर्म नहीं कर रहा और कैप्टनशी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस्लामाबाद की अगर टीम देखें तो कैप्टन जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है शादाब। दूसरी तरफ रॉयल रूसो है पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करता रहा है और अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोटा ग्लैडिएटर्स से। मैं चाहूँगा जरा इसके ऊपर बात करें जी सहीर भाई। देखिए मुझे उम्मीद तो है जो इनके गोरे प्लेयर्स हैं जैसन रॉय और ऑलरेडी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं सबसे बेस्ट अभी जो आपके पास लॉट आई हुई है गोरे प्लेयरों की फॉरेन प्लेयर्स के तो मेरे ख्याल में इनमें दो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से हैं ठीक है ना। और देखें ये बड़े ओकेजन में मुझे बहुत उम्मीद है शायद ये क्लिक कर सकते हैं क्योंकि अपने पर प्रेशर लेके देखें मौका ऐसा अगर अब उन्होंने नहीं किया तो यकीनन फिर तो बाहर ही हो जाएंगे जी। और जो कोटा की परफॉर्मेंस है अभी तक जितने मैचेस भी जितवाए ज्यादातर इनके डोमेस्टिक वाले प्लेयरों ने जितवाए देखें मुझे अगर ये लोग कहीं अच्छा खेलते हैं दोनों तो फिर तो कोटा ग्लैडिएटर के चांस लग रहा है। लेकिन इस्लामाबाद की टीम मैंने आपको बताया क्योंकि इनके डोमेस्टिक के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं इनकी 7 से 8 तक तो बैटिंग ही खत्म नहीं होती ऑलराउंडर्स हैं। अगर इनकी टीम फ्लॉप भी होती है 2-3 ऊपर से आउट भी होते हैं फिर भी ये 170 करने के हैं। बिल्कुल ठीक है जब, जी जी आ रही है आवाज जी जी सहीर भाई आ रही है। और जबकि इस्लाम जो कोटा ग्लैडिएटर है उनमें से अगर ऊपर से फिर ये 1-2 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई संभालना इतना मुश्किल होगा। अब ये क्योंकि बड़ा प्रेशर मैच है जो हमारे यंगस्टर हैं इसमें नाफे हो गया वो फॉर्म उसकी खराब हो गई अचानक से तो प्रेशर वाला मैच है उनके लिए भी सुनहरी मौका है। अगर अगर वो प्लेयर जैसे कि लोगों ने उनको हाईली रेट कर दिया था ये टाइम होता है अपने आप को शो करने का जी। यही टाइम होता है जब पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है डू एंड डाई मैच में। अगर वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो यकीनन उनको काफी बूस्ट मिलेगा आगे के लिए और अगर कहीं यहाँ पर फिर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर उनको लोगों एक इनिंग भी भूल जाएंगे वो जो हमने उनकी देखी थी। तो बस ये बड़ा प्रेशर वाला मैच होते हैं सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेजेस पे आके इनमें आपके जो सीनियर प्लेयर हैं उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि देखें जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो आप अपने ही में ही रहते हो आपकी कैप्टनसी में भी फर्क पड़ता है अगर वो कैप्टन हो और अगर कैप्टन यकीनन स्कोर कर रहा होता है तो उसके उसको आइडियाज भी अच्छे अच्छे आते हैं वो अच्छा सोच रहा होता है जब वो अपने आप में ही रहेगा कि यार मैं तो स्कोर ही नहीं कर रहा बिल्कुल सही कि क्यों नहीं हो रही है वो तो फिर यकीनन थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत जरूर कैप्टनसी में फर्क पड़ता है जो कैप्टन है वो तो उतना ही रहना होता है जितनी उसकी सोच होती है। लेकिन यकीनन एक पॉइंट ऐसा है कि कहीं ऐसा भी होता है कि वो थोड़ा सा डल रहता है क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस का भी सोच रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो बस यही है कि देखें मेरे हिसाब से फिलहाल तो टू अर्ली है लेकिन मेरे हिसाब से तो इस्लामाबाद की टीम मुझे ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है और हर हिसाब से फॉर्म में भी आ गई है काफी नीचे से। देखें
ऊपर तो करते हैं नहीं करते, नए बॉल पे ओपनर या दो तीन जल्दी भी आउट हो जाते हैं, लेकिन जिस टीम के नीचे से बैटिंग में रन शुरू हो जाए ना होना, तो जी वो यकीनन उनको बड़ा बूस्ट मिल जाता है उनकी आखिरी बैटिंगों में, फिर वो रन भी करते हैं और आखिर में मैच भी जितवाने के एल हो जाते हैं, वो फिनिश काबिल अच्छा हैं करता है, इसके, बिल्कुल थे सही। नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखें उनके आखिर तक लड़के स्कोर भी कर रहे हैं और आउट भी कर रहे हैं, बिल्कुल तो ठीक इसका है, मतलब है मुझे इस वक्त जो मैच है ये 60-40 नजर आ रहा है, 60-40 60 बिल्कुल इस्लामाबाद, ठीक है, 40 40 क्वेटा के क्वेटा हक के। में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिम भाई आप हमारे साथ हैं लाइन पे? जमीन भाई लाइन पर हैं इस वक्त? जी। जमीन भाई ये फरमाइएगा कि क्वेटा की जानिब से आप निशानदेही करते आए, 5 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, ये एक उनका मसला रहा है, और दूसरा एक कप्तानी का मसला रहा, अगर कप्तान स्ट्रगल करता रहेगा तो फिर टीम की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होगी ये कहना मुश्किल है। और दूसरी तरफ ये कि जमीन भाई इस चीज़ की भी निशानदेही कीजिएगा कि एक सवाल अब दोबारा से हो रहा है कि वो सरफराज को बिल्कुल एन मौके पर हटा देना और उसकी जगह रायली रूजो को कप्तानी देना, ये किस हद तक फैसला सही साबित हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिए। नहीं, मेरे ख्याल तो इतना सही नहीं था ये फैसला, और उसके टाइमिंग भी ठीक नहीं थे, क्योंकि जी अगर आपने ये फैसला करना था तो पहले करना चाहिए था, आपने टूर्नामेंट शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले ये फैसला किया था जिससे टीम पे उसके असरात पड़ते हैं। तो बहरहाल अब इन्होंने जो भी फैसला किया, फिर उसके बाद सरफराज को जो ड्रॉप किया गया, तो वो जिनको भी मतलब इसके लिए जो है ना लॉरी एवंस को खिलाया टीम मैच, उन्होंने कुछ भी नहीं किया 3 मैचों के अंदर, बिल्कुल तो इसका मतलब देखिए ना, अभी इनके पास जो है टीम के अंदर जो है ना सज्जाद अली जो है ना बैठे हुए थे, बिस्मिल्ला खान विकेट कीपर बैठे हुए थे, समझे उस्मान कादिर बाहर बैठे हुए हैं, जी तो इस तरह के प्लेयर अब आज आज उम्मीद ये है कि शेरवन रदरफोर्ड जो चले गए थे वो शायद आज जो है ना मैच में हिस्सा लेंगे, लेकिन सही फिर भी अगर देखा जाए ना तो इसकी जो कप्तानी है, देखिए कप्तानी इसलिए भी खराब होती है जब अपनी कारकर्दगी आपकी अच्छी नहीं होती है ना, तो जी जी कप्तानी भी मतलब अच्छी नहीं होती। रायलो रूसो जो है ना, यही रायलो रूसो पिछले सीजन में जब मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे तो एक डिफरेंट प्लेयर थे, जी इनको अपना नंबर नहीं छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल में, बिल्कुल जो इनका नंबर था 3 नंबर, और इनको अपने अंदाज में खेलना चाहिए, क्योंकि जैसे शाहिद आफरीदी थे उनको अगर आप कहेंगे ना कि यार सिंगल डबल पे आ जाओ तो जी वो नहीं कर सकेंगे ना बिल्कुल उस सही तरह परफॉर्म, तो आपको चाहिए कि जिस तरह के ये प्लेयर है इनको खुला खेलने दें, वैसे भी इनसे कुछ नहीं हो रहा है, स्कोर तो ये कर ही नहीं रहे ना, जी ये देखें जैक्सन रॉय भी नहीं कर रहे हैं, एक एक दो इनिंग उन्होंने खेली है, एक आध इनिंग जो है वो फाजत नाफे ने खेली है, साउथ शकील है जो तसल्ली के साथ जो है ना वो रन कर रहे हैं, बाकी कोई भी प्लेयर जो है ना मिडिल ऑर्डर के अंदर खासतौर पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स के, वो कल पिछले मैच के उनायत बिन यूसुफ ने 37 रन की इनिंग खेली है, उसके अलावा तो कोई इतना मतलब ये कि प्लेयर जो है ना कोई नजर नहीं आ रहा कि जिसको कहा जाए कि जनाब ये, और अच्छा बैटिंग में उनकी डेथ भी नहीं है, अकील खान के बाद जो है ना वो अकील हुसैन के बाद डेथ शुरू हो जाती है, जी जबकि जबकि अगर आप इसके बरक्स आप उसको देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जी उसकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है, ऊपर के अगर लड़के आउट भी हो जाते हैं ना, देखिए ऊपर के 2 लड़के इनके आउट हो गए थे ना, क्या कहते हैं 228 रन चेज कर दी थी इस्लामाबाद, चेज जी कर ली उन्होंने, लेकिन ये अगर ऐसा टाइम कोयटा पे आएगा तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल से उनके जो है ना कोलन मंद्रो को ले लें, एलेक्स हेल्स को ले लें, और क्या कहते हैं जो उनकी बैटिंग लाइनअप है, अलग एलेक्स हेल्स से रन नहीं हो रहे हैं जी लेकिन मंद्रो रन कर रहे हैं, फिर सलमान अली आगा रन कर रहे हैं, शादाब रन कर रहे हैं, आजम ने 1-2 इनिंग खेली है, उसके अलावा हैदर अली जो है ना वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इमाद वसीम ने 30 रन करके मैच जिताया है, जी उसके बाद जो है ना अगर आप देखते हैं फहीम अशरफ को वो भी मतलब ये तो एक बैटिंग 8-9 नंबर थे उनके पास बैटिंग में डेप्थ है, और उनके पास 6-7 ऑप्शन है बॉलिंग के, बिल्कुल अगर आप टीम को देखें स्पिनर है उनके पास इमाद वसीम हो गए, शादाब हो गए, सलमान अली आगा हो गए, फिर उनके पास जो बॉलिंग है टाइमल मिस हो गया, उबैद शाह, नसीम शाह, और क्या कहते हैं ये फहीम अशरफ, तो ये एक अच्छा जबरदस्त तरीके के जो है ना स्ट्रॉन्ग जो है ना कम्बिनेशन है, वो अगर पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें तो उनको इतना मतलब ये कि मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि आखिर के 4 मैच जो कोयटा ने खेले हैं उसमें 3 मैचों में उसका स्कोर जो है ना 120 से कम रहा है, बिल्कुल ये एक बिल्कुल बीच का बात है कोयटा के लिए जैसे के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब लास्टली जमीन भाई ये भी तذکرہ कर दे कि कितना स्कोर एक्सपेक्टेड है, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जिस तरह हमने कल की परफॉर्मेंस देखी है तो लग नहीं रहा कि कोई भी टीम जो है बड़ा स्कोर सेट कर सकेगी, तमाम ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर सेट कर चुकी है, क्या एक्सपेक्टेशन है एक जुमले में बताइए।
मेरा ख्याल है कि 170 से 180 जो है ना वो रन तो जो है ना वो होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये 140 का जो वो है ना जी, ये अब ये जो क्रिकेट जो है ना बहुत फास्ट हो गई है। बिल्कुल सही है। और अब जो पिच है उसका क्या मैार होता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी मेरा ख्याल है जो भी टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी, बैटिंग की तरफ जाएगी, करेगी तो 170 से 180 तो होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमी भाई, आपका भी, सगीर भाई आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से। और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया प्लेऑफ्स का पहला मैच, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। और कल इंशाल्लाह जब आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे तो आज का जो मैच है जो कि 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाएगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कल तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, मोहम्मद यासर और हमारी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।